पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज में संयुक्त रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसोसिएट प्रोफेसर अलका रानी रही। इस अवसर पर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत उपस्थित सभी छात्राओं को जानकारी दी गई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि महोदया का स्वागत से हुई। अपने वक्तव्य में बोलते हुए एसोसिएट प्रोफेसर अलका रानी ने कहा कि आज लड़कियां किसी से कम नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की, क्योंकि आज आधी आबादी महिलाओं की है और कदम से कदम मिलाकर महिलाएं पुरुषों के साथ चल रही हैं। इसीलिए सभी को आत्मनिर्भर बनते हुए हर मुसीबत का सामना करना होगा। इसी के साथ सरकार द्वारा छात्राओं के लिए चलाई जा रही सहायता के लिए 1090 जैसी जानकारियां भी दी गईं। तो वहीं इस अवसर पर एसोसिएट प्रोफेसर अलका रानी को नई जिम्मेदारी से भी नवाजा गया। जिला मुख्यालय आयुक्त के तौर पर अलका रानी को नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि एसोसिएट प्रोफेसर अलका रानी अपनी मेहनत और लगन के लिए एक अलग पहचान रखती हैं। उन्होंने अपनी पहचान अपनी काबिलियत के आधार पर बनाई है। इसी का परिणाम है कि एसोसिएट प्रोफेसर अलका रानी को नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान रेस बायो की ओर से टीचर्स डे का प्रोग्राम किया गया, जिसमें कोविड काल में काम करने वाली शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल एक्सीलेंस अवार्ड से सभी को सम्मानित किया गया। ये आज हमारा टीचर्स डे का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हमारी संस्था रेस बायो रिसर्चर एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल बायोस्फीयर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद जो हमारी टीचर्स हैं, महिला शिक्षिकाएं हैं, जिन्होंने कोरोना पीरियड में कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है, घर का भी काम संभाला, ऑनलाइन टीचिंग भी की, ये आज उनका सम्मान समारोह है रेस बायो संस्था की तरफ से। मैं इस संस्था की प्रेसिडेंट हूँ और इस प्रोग्राम का उद्देश्य महिला शिक्षिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। मिशन शक्ति के तहत क्या कार्यक्रम हो रहा है? मिशन शक्ति के तहत जो आज प्रोग्राम है उसमें ये प्रोग्राम हमारा जिला साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है। ये मंडल स्तर का प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम का उद्देश्य जो महिला मिशन शक्ति प्रोग्राम है, हमारे ऑनरेबल CM सर का प्रोग्राम है, इसका तृतीय चरण चल रहा है UP में, जिसका मकसद महिलाओं को एम्पावर करना है। प्रथम और द्वितीय चरण में हमने टेक्नोलॉजी और दूसरे माध्यम से बच्चियों को, महिलाओं को, वर्किंग लेडीज़ को, नॉन वर्किंग लेडीज़ को एम्पावर किया था, उन्हें जानकारी दी गई थी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से वो किस तरह से सुरक्षा महसूस कर सकती हैं। पुलिस विभाग की तरफ से कई हेल्पलाइंस जारी की गई थी, वो हेल्पलाइंस हेल्पलाइन नहीं, वो बेसिकली पावर लाइन थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना था ताकि वो निर्भय होके और बेखौफ होके अपना काम कर सके। आज जो है ये तृतीय चरण का जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम है उसका मंडलीय प्रोग्राम है। इसमें आज दो प्रोग्राम है यहाँ पर, कि एक तो प्रोग्राम है मिशन शक्ति का, दूसरा प्रोग्राम है रेस बायो का। रेस बायो शिक्षिकाओं को सम्मानित कर रहा है और मिशन शक्ति के तहत यहाँ महिलाओं, बच्चियों और शिक्षिकाओं को जागरूक किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज के दिन 3 सितंबर से जो लीगल एड के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा दे रही है, जो हमारे लीगल हेल्पलाइंस हैं, जो रेमेडीज़ हैं, जो किसी घटना का शिकार होने पर हमें कैसे यूज़ करना है, उसको आज पूरे UP में एक जागरूकता के तहत स्प्रेड किया जा रहा है, उसी का ये प्रोग्राम है। मैडम, आप भी एक महिला हैं, महिला होने के नाते महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं महिलाओं से ये अपील करना चाहूँगी, सशक्त करने का मतलब सिर्फ मसल पावर नहीं है, सशक्त करना मीन्स अपने आप को नॉलेज में अपडेट करना, अपने राष्ट्र के, क्योंकि जो महिलाएँ होती हैं वो दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं। और चूँकि मैं एक महिला प्रोफेसर हूँ, मैं हिंदू कॉलेज में डीन भी हूँ, हमारे कॉलेज में बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाएं शिक्षा के माध्यम से आगे आएं। शिक्षा एक बहुत बड़ा वेपन है समाज में फैली कुरीतियों को रिमूव करने में, रिड्यूस करने में, शिक्षा से बेहतर कोई वेपन नहीं है। तो शिक्षा के माध्यम से हमें आगे आना चाहिए, महिलाओं को एम्पावर करना चाहिए। एम्पावर करना मतलब शिक्षा के माध्यम से आगे आए, वो सारे ट्रेड्स
जो आपको अचीवर बनने के लिए मदद करते हैं, उन सभी ट्रेड से अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए। टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ देम। टेक्नोलॉजी सीखिए, जहाँ महिलाओं का आज भी रोल बहुत कम है, और इन सब चीज़ों को लर्निंग करते हुए एक व्यवहार में लचीलापन लेके हेकऑफ होके अपने सपनों को जो है अपने सपनों की उड़ान आप भरें।